जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की कक्षा 4 की किताब से पाठ 8, आज मेरी छुट्टी है। तो पाठ का नाम क्या है? आज मेरी छुट्टी है, लेकिन आपकी पढ़ाई की छुट्टी नहीं है, आपको तो पढ़ना है। लेकिन ये आज मेरी छुट्टी है, ये कौन कह रहा है कि आज मेरी छुट्टी है, इस बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सूर्य अपनी तेज किरणों से जल को बादल बना देता है। सूर्य जो है, सूर्य की किरणें कैसी होती है? तेज होती है। हम ज़्यादा देर तक धूप में खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो सूर्य अपनी तेज किरणों से जल को बादल बना देता है। सूर्य की तेज किरणें जब जल पर पड़ती है, पानी पर पड़ती है, तो वो क्या होता है, पानी पर पड़ने के बाद वो भाप बन के ऊपर की ओर उठती है और वो बादल बन जाती है, बादल बना देता है। बादल वर्षा करते हैं और वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, वर्षा की बूंदों पर, बारिश की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या बनता है, पढ़कर देखें। बच्चे कहते हैं, अरे आज ये क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है, आज फिर सूर्य देव मुंह छुपा कर कहाँ भाग गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो बच्चे क्या बोले कि अरे आज यह क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है, आसमान के अंदर क्या नहीं है, बादल नहीं है, आज फिर सूर्य देव मुंह छुपा कर कहाँ भाग गए। सूर्य देव जो है वो अपना मुंह छुपा कर कहाँ भाग गए हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ये आप देख रहे हैं सूर्यदेव को, ये सूर्यदेव कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जब सूर्यदेव चले जाते हैं तब क्या हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो मोहित ने कहा, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। मोहित क्या बोलता है कि मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण का मतलब होता है सूर्य के ऊपर क्या लगता है, ग्रहण, सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है। तो दादी माँ क्या कह रही थी कि आज सूर्य पर क्या लगेगा, ग्रहण लगेगा। विद्यालय मत जाओ, विद्यालय मत जाओ का मतलब स्कूल मत जाओ, छुट्टी ले लो। तो अब सूर्य क्या कहते हैं, अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की, मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ली तो इतना कोलाहल क्यों। कोलाहल का मतलब होता है शोर, कोलाहल का मतलब शोर। तो सूर्य देव क्या कहते हैं कि अरे सब छुट्टी लेते हो, सब छुट्टी ले लेते हो, कभी त्योहार की कोई छुट्टी लेते हो, कभी कोई त्योहार आते रहते हैं, कभी होली आई, दीपावली आई, दशहरा आया, ईद आई, तो तुम तो त्योहारों की छुट्टी तुम्हें मिल जाती है, और कभी तुम्हारे घर पे कोई त्योहार मनाए जाते हैं तब भी तुम छुट्टी ले लेते हो, कभी गर्मी की छुट्टी लेते हो, कभी जब गर्मी के दिन होते हैं तो जून में आपके मई से जून की गर्मियों की छुट्टी पड़ती है ना, और इस तरह कभी सर्दियों की भी आपकी छुट्टी पड़ती है, सर्दियों में भी आप सर्दियों की छुट्टी लेते हैं दिसंबर के महीने में। तो हमारे कोई ना कोई 30 त्यौहार आते रहते हैं, या कभी हम गर्मी कभी सर्दी की छुट्टी लेते हैं। मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ले ली तो इतना कोलाहल क्यों, कोलाहल का मतलब होता है शोर। मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली तो तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, ये किसने कहा, सूर्य देव ने कहा। अब आर्यन क्या कहता है, सूर्य जी जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर ही रहते हैं ना। तो आर्यन क्या कहता है कि सूर्य जी जब बादल आते हैं, क्योंकि बादल आते हैं तब क्या होता है, सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है, बादल होते हैं, तो आर्यन ने कहा तब भी तो आप छुट्टी पर ही रहते हो। तो सूर्य ने क्या कहा, न तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। तो सूर्य देव क्या कहते हैं, न तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मुझे कौन ढक लेता है, बादल ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ, बादल आपके आगे आ जाते हैं और बादल मुझे ढक लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या समझा कि जो सूर्य है वो अपनी तेज किरणों से क्या करते हैं,
जल को बादल बना देता है। आप सोचेंगे जल से बादल कैसे बन गया, तो जब सूर्य की तेज किरणें जल पर पड़ती है, जल मतलब पानी, पानी पर पड़ती है, तो वो भाप बनकर ऊपर की ओर उठती है ना। आपने देखा होगा कि जब आप रसोई के अंदर आपकी मम्मी वगैरह चाय बनाती है या कभी दूध गर्म करती है, सब्जी बनाती है, तो जब उसके अंदर हम कुछ भी जल को, जैसे जल को हम पानी को भगोले में डालकर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, उसमें से गर्म गर्म भाप निकलती है, और भाप निकलकर वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर जाकर वो क्या बन जाती है, और बादल बन जाती है, और उन्हीं बादलों से क्या होती है, फिर वर्षा होती है। और वर्षा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, वर्षा की बूंदों पर, तो क्या बनता है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या बात चल रही थी कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और दादी ने बताया था कि सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ। तो सूर्य देव ने क्या कहा कि तुम सब तो इतनी छुट्टियां लेते हो, कभी त्योहार की लेते हो, कभी गर्मियों की लेते हो, कभी सर्दी की लेते हो, और मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली तो तुम इतना शोर मचाने लग गए। तो आर्यन क्या कहता है कि सूर्य जी जब बादल आते हैं तब तो आप छुट्टी पर ही रहते हैं ना। तो सूर्य देव ने क्या समझाया था कि न न न, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ, सूर्य देव तो ऊपर आकाश में होते ही हैं, बादल उनके आगे आ जाते हैं, बादल उनको ढक लेते हैं। तो उन्होंने कहा बादल ने मुझे ढक लिया तो मैं क्या करूं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूं।